राह मन स्वदेशी, राह तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा ओवे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं। उस काम में लगा हूं। 30,735 कानून है जो अंग्रेजों के समय के हैं, उसमें ये टैक्स के कानून हैं, उसमें कुछ नए आने वाले हैं, ये जो वैट की बात चलती है, तो ये कानून को तो हटाना ही पड़ेगा। बिना हटाए तो आजादी नहीं आएगी, स्वराज्य भी नहीं आएगा। बस प्रश्न अपने साथ है, जो बेलजी भाई ने कह दिया, जो मैं नहीं कहता आपसे, वो यही है कि आप जब ये कानून हटाने की लड़ाई लड़ेंगे तो आपकी ताकत जो है सरकार की ताकत के बराबर यदि है तो लड़ाई आपकी हो सकती है, और अगर आपकी ताकत कुछ कम है तो सरकार आपको क्रैश कर देगी। क्योंकि ये जो स्टेट होता है ना, ये बहुत निर्मम होता है। राज्य व्यवस्था होती है ना, बहुत निर्मम होती है। उनके यहाँ दया नहीं होती, प्रेम नहीं होता, कोई ममता नहीं होती, कोई मोह नहीं होता। वो एक ही बात जानते हैं, वो क्रैश करना जानते हैं, क्योंकि अंग्रेजियत से उन्होंने वही सीखा है। अंग्रेज भी यही करते थे। जब तक अंग्रेजों की ताकत आपकी ताकत से ज्यादा रही, उन्होंने क्रैश ही किया, और उस क्रशिंग में माने उन्होंने जब बुरी तरह से अत्याचार किया तो 50-1 लाख हिंदुस्तानी उसमें मारे गए। तो अब वो तो वो दौर था जब लोगों में खून था, उबाल था, जुनून था, गांधी जी जैसे तपस्वी लोग थे जो ऊर्जा भरने वाले थे, तब 50 लाख लोग मारे गए। अभी अगर हम ये करेंगे तो इतने तो मारे जाएंगे, ये तो आप जान लीजिए, 1 करोड़ भी मारे जा सकते हैं। क्योंकि अमलदार शाही और राजनीतिक पार्टियां दोनों एक साथ होंगे आपके खिलाफ इस लड़ाई में। दुश्मन कौन होगा? विदेशी कंपनियां, वो तो ज्यादा बड़ी ताकत नहीं है, मैं आपको बता दूं। उससे बड़ी ताकत ये नौकरशाही की है, और उससे बड़ी ताकत ये राजनीतिक पार्टी। तो राजनीतिक पार्टी, विदेशी कंपनियां और नौकरशाही, ये तीनों आपके खिलाफ होंगे, ये तीनों एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि तीनों के हित एक जैसे हैं। अमलदार शाही है वो राजनीतिक पार्टियों का हित पूरा करती है, राजनीतिक पार्टियां विदेशी कंपनियों का हित पूरा करती है, विदेशी कंपनियां अमलदार शाही को घूस देके अपने कंट्रोल में रखती है। ये एक पूरा उनका बना हुआ एक तंत्र है, तो ये तंत्र पूरा आपके खिलाफ है। तो अगर आपकी ताकत उस तंत्र से कुछ कम है तो वो पूरा क्रश कर देगा, और अगर आपकी ताकत उनसे लगभग 19-20 की है तो आप भी विजयी हो सकते हैं उसमें। अगर 19-20 की ताकत है तब तो लड़ाई में कूद जाना ठीक है, लेकिन अगर 1 और 20 का रेशियो है तो लड़ाई के लिए तैयारी करना ज्यादा उचित है। तो ये लड़ाई हमारी एजेंडे में है, प्रायोरिटी में है, बस समय का फेर है। माने आज करते हैं या 2 साल बाद करते हैं या 3 साल बाद करते हैं। अभी मैं आपको एक जो जमीनी सच्चाई है वो बता दूं, तो हम ये लोग मन में बना, जमीनी सच्चाई ये है कि पिछले 1996-97 से कहना चाहिए, 1997-98 से मैं इलाहाबाद छोड़कर इधर घूमने लगा, पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में। तो ये दक्षिण और पश्चिम भारत में घूमते घूमते लगभग 5-1 साल मान लेना चाहिए, जून 1997 से घूमना शुरू किया, तो 5-1 साल में ये 100 लोग मैं देखता हूं जो आंदोलन को चलाने की क्षमता वाले मुझे लगते हैं। अभी हमारे समर्थक लाखों में हैं, सहयोगी भी हो सकते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे देश में बहुत अधिक नहीं है। संचालन समितियां जो चलाने वाले लोग हैं वो बहुत अधिक नहीं है। उनकी ताकत तो इतनी भी अभी नहीं है कि एक जिले की सरकार से लड़ाई कर सके। ये तो केंद्र की सरकार और पूरी उसके साथ नौकरशाही और पूरा राजनीतिक तंत्र है। अपने कार्यकर्ताओं की ताकत का अंदाजा मुझे है, क्योंकि उनकी खामियों का, उनकी खूबियों का भी अंदाजा मुझे है। तो चूंकि ये अंदाजा है तो इसलिए मेरे मन में अब कोई दुविधा नहीं है। मेरे मन में बस प्रायोरिटी है, वही प्रश्न है कि जब हमारी अपनी ताकत अभी एक जिले की सरकार से लड़ने की नहीं है तो पूरे एस्टेब्लिश ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ लड़ना, राजनीतिक तंत्र और विदेशी कंपनियों के खिलाफ लड़ना अभी शायद
मुश्किल होगा, लेकिन हम एक दो साल में कुछ ऐसा प्रयास करें कि ताकत थोड़ी बढ़ जाए हमारी, तो शायद हम वो जरूर सोच सकते हैं। अब ये प्रश्न है कि मेरा ऐसा दूसरे तरह का मानना है कि इस तरह के प्रश्न तब उठाने चाहिए जब ताकत बढ़ जाए, बस इतनी सी बात है। इसमें असहमति कहीं नहीं है। जो 34,000 कानून है वो सब गलत है, स्वराज्य नहीं है, आजादी नहीं है, वो सब बात सही है, असहमति नहीं। बस प्रश्न यही है, उनको ऐसा लगता है कि हम ये प्रश्न उठाएं तो ताकत बढ़ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि पहले ताकत बढ़ जाए तो ये प्रश्न उठाएं। और गांधी जी के बारे में जब हम कहते हैं तो गांधी जी के बारे में एक बात और सोच लाना चाहिए, बात कहते हुए तय करना चाहिए कि जब वो 1915 में आए यहां पर, 1914-15 में, तब से वो घूम रहे हैं पूरे देश में, और 1930 में जाके नमक सत्याग्रह कर पाए। 15 साल लग गया उनको, 15 साल में उनके साथ नमक सत्याग्रह में जाने वाले 72 या 75 कार्यकर्ता, 78। तो 15 साल के लगातार भारत भ्रमण के बाद 78 कार्यकर्ता उनके साथ निकलने वाले थे, और हम लोगों को कितना समय लगेगा? हम में जबकि गांधी जी जैसी तपस्या नहीं है, उतनी तेजस्विता भी नहीं। हाँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि गांधी जी को एक तकलीफ थी जिसकी हमें सुविधा है, कि उनका जो मूवमेंट था वो फास्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि पैदल जाना या बैलगाड़ी से जाना, हमारा मूवमेंट थोड़ा फास्ट हो सकता है। तो आप सब यदि थोड़ा इसको तेज करें, अभी तेज कैसे करना, तेज उसको ऐसे करना कि ये काम हमें करना है। ये तो पक्का है कि 34,000 कानून इस देश के रद्द कराने हैं, बदलवाने हैं, संविधान भी बदलवाना है, वो अपना जो घोषणा पत्र है उसमें बिल्कुल स्पष्ट है। अब प्रश्न है कि इसको करना है तीव्रता के साथ, तो मेरा एक दो सुझाव है, आप अगर मान लें सब लोग तो ये जल्दी हो सकता है। वो सुझाव ये है कि ये जो कानून बने हैं, इन कानूनों की हम पूरे देश के स्तर पर छोटी छोटी लिस्टिंग करें। ये लिस्टिंग कुछ ऐसी, जैसे उन्होंने 3-4 कानूनों का उदाहरण दिया ना, ऐसे और भी आप जानते होंगे, 10 कानून होंगे, 50 होंगे लोकल लेवल पे, उनकी एक सूची बनाए, वो सूची लोगों के पास जाए। लोग हैरान परेशान होते हैं, लेकिन उसका कंबाइंड इफेक्ट नहीं है उनके ऊपर। किसी एक कानून से होते हैं, कोई 2 से होता है, कोई 5 से होता है। एक साथ यदि उनको ये समझा सके कि देखो ये 25,000 है या 30,000 है या 5,000 है या 500 है या 50 है, तो उनके मन में थोड़ी ताकत ज्यादा होगी विरोध करने की। एक दूसरा, हम ये बात को लेके हिंदुस्तान के सभी संगठन के पास जाएं, जितने भी व्यापारिक संगठन हैं, जितने भी तकनीकी संगठन हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, सांस्कृतिक संगठन हैं, उनके पास इस बात को लेके जाएं। और जैसे जैसे आप इस बात को लेके जाएंगे, उनकी सहानुभूति हमारे साथ हो सकती है। देखिए, आंदोलन में, संगठन में कार्यकर्ता बहुत ज्यादा हो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके प्रति सद्भावना सबसे ज्यादा हो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि हमारे पास 100-150 कार्यकर्ता हैं या 500 हैं या 15,000 हैं। मुझे चिंता इस बात की है कि हमारे लिए सद्भावना है क्या सबके मन में। भले हम लड़ने वाले 100 हैं, हम जेल में जाने वाले 100 हैं या 500 हैं या 15,000 हैं, वो महत्व का नहीं। उससे ज्यादा महत्व का यह है कि हमारे प्रति सद्भावना रखने वाले 5 करोड़ हैं क्या, 10 करोड़ है क्या, 15 करोड़ है क्या, 20 करोड़। मान लो कल को हम जेल में जाके बैठ गए तो वो 5 करोड़ इतना हल्ला कर दें इस पूरे देश में कि सरकार की नाक में दम हो जाए। वो तभी होगा जब आपके प्रति उनके मन में कोई सद्भावना है। तो हमें करना क्या है? ये लड़ाई बहुत मुश्किल है, कठिन है, आप इसको समझ लीजिए। ये लड़ाई अंग्रेजों की लड़ाई से ज्यादा मुश्किल है, गांधी जी की लड़ाई से भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि गांधी जी को लड़ना था बाहर वाले दूसरे दुश्मन से, आपको लड़ना है अपने ही भाई से। जो आपका ही भाई है, आईसीएस ऑफिसर होके सरकार में अंडर सेक्रेटरी बन के बैठा, उसके साथ आपका संघर्ष है। आपका ही अपने बीच का आदमी है, प्राइम मिनिस्टर बनकर बैठा, उसके साथ आपका संघर्ष है। बाहर वाला जो दुश्मन होता है ना, वो दिखाई देता है सबको।
अंदर का आदमी होता है ना उतना दुश्मन नहीं लगता। अगर लगता होता तो 56 साल में इस देश में आंदोलन इतना बड़ा हो जाता जो आजादी के आंदोलन से भी बड़ा होता। अभी अंदर देश के लोगों को क्या लग रहा है, देश के अंदर जो मानस में करंट है वो ये है, भाई ये सरकार खराब थी अब एक नई सरकार लाके देखो, वो खराब थी अब इसको लाके देखो, ये चिमन भाई पटेल खराब था तो मोदी को लाके देखो, मोदी खराब है तो केशु भाई को लाके देखो, केशु भाई खराब है तो किसी और को लाके देखो, वो खराब है तो अटल बिहारी को लाके, ये मानस है, ये हम में से बहुत लोगों का भी है। ये मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं तो इंक्लूडेड हम सब हैं, हम सभी हैं। मेरे जैसे हिंदुस्तान में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने आज तक किसी को वोट नहीं दिया। मैंने मेरे वोटर राइट का आज तक इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैं मानता नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी या सोनिया गांधी दोनों में से कोई अच्छा है। वो अच्छा इसलिए नहीं हो सकता कि जो सिस्टम चलाने के लिए वो जाने वाला वो सिस्टम ही खराब है। अब अटल बिहारी वाजपेयी कितना भी अच्छा और गुणी आदमी हो लेकिन सिस्टम जिसको वो चला रहा है वो तो इतना ही खराब है जितना वो अंग्रेजों के जमाने में इरविन चलाता था। जब इरविन ने चलाया वही अटल बिहारी वाजपेयी चलाते हैं, वही सिस्टम सोनिया गांधी चलाएगी और वही सिस्टम आप में से कोई जाएगा तो चलाएगा। जब सिस्टम खराब है तो अच्छे आदमी का कोई मतलब नहीं है वहां जाने का। तो लड़ाई तो ये है, अब हमें जो करना है वो ये कि ज्यादा लोगों के मन में हमारे लिए सद्भावना बन जाए। सद्भावना से मतलब क्या होता है, सद्भावना दो काम के, एक तो ये कि कोई हमारा भले साथ में ना आए लड़ाई के लिए लेकिन रास्ते में रुकावट पैदा ना करे, सद्भावना उसके लिए जरूरी होती है। हम ये अपेक्षा नहीं करते कि शहर वाले हमारी लड़ाई में हमारे साथ आएंगे या ये 4-5 करोड़ लोग हैं वो हमारी लड़ाई में हमारे साथ आएंगे, ये अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा सिर्फ इतनी है कि वो हमारे साथ ना आए लेकिन जो लड़ाई हमने शुरू किया उसमें रुकावट पैदा ना करें, नहीं तो दुश्मन कई हो जाएंगे और कई फ्रंट पे आपको लड़ना पड़ेगा। एक फ्रंट तो पूरा ऑर्गेनाइज है ही, उससे भी बड़ा आपके ही बीच में से कई लोग निकलेंगे जो कहेंगे क्या फालतू बात करते हो, यही कानून से तो धीरू भाई अंबानी इतना अच्छा हुआ है तुमको क्या प्रॉब्लम है, यही कानून से टाटा बिरला अगर इतना अच्छा हुआ है तो आपको क्या प्रॉब्लम है। तो ये तब होगा जब आपके प्रति सद्भावना न्यूनतम होगी समाज में। अब यहां सद्भावना तो बहुत दूर की बात है, अभी परिचय नहीं है हमारा। सद्भावना तो तब होती है जब आपका किसी से कोई परिचय हो, अभी तो हमारा परिचय नहीं है। अगर इसको थोड़ी देर के लिए आप राजीव दीक्षित को माइनस कर दीजिए फिर बताइए कि आपका कितना परिचय है लोगों के साथ, या आजादी बचाओ आंदोलन का आपने कितना परिचय कराया है लोगों से, कितना जानते हैं लोग। अभी भी राजीव दीक्षित माने आजादी बचाओ आंदोलन जानते हैं, आजादी बचाओ आंदोलन माने राजीव दीक्षित नहीं जानते। आप साधारण ट्रेन में कभी सफर करते होंगे, पूछना आजादी बचाओ आंदोलन क्या है तो वो सोचे और उसको पूछो राजीव दीक्षित, हाँ अच्छा राजीव दीक्षित है, तो वो राजीव दीक्षित को ज्यादा जानते हैं आंदोलन को कम जानते हैं। अभी परिस्थिति है तो हमारा तो परिचय नहीं है ठीक से अभी लोगों से, और अगर परिचय नहीं है तो सद्भावना पैदा होने की बात तो बहुत दूर की है। और जब सद्भावना हो जाए तो आप कोई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं इस उम्मीद से कि भाई सद्भावना तो है लोगों के मन में हमारे प्रति, भले वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं लड़ सकते क्योंकि उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। वो सद्भावना जब तक नहीं है आपके प्रति, परिचय नहीं है आपका लोगों के प्रति, तब तक ऐसा कोई बड़ा कदम उठाना वो एक अच्छे नेता का काम नहीं होता। जो सेनापति होता है ना उसका मुख्य काम यही होता है कि परिस्थिति का आकलन करके युद्ध की घोषणा करें। अगर आपने परिस्थिति का आकलन ठीक से नहीं किया है और आपने कूद गए हैं तो वही होगा जो 1857 में हुआ है। 1857 में बिना तैयारी के हमारे देश में ये जो सब शुरू हो गया उसके दो दुष्परिणाम निकले, एक तो अंग्रेजों को क्रैश करने का मौका मिल गया, दूसरा 90 साल हमको सतत लड़ना पड़ा और 50 लाख लोगों की कुर्बानी। अगर वही काम परिस्थिति की तैयारी और समझ के साथ किया होता तो 1857 से 3 साल के अंदर आजादी आ जाती, 1860 में आ जाती। वो हुआ क्या कि अति उत्साह में कुछ लोगों ने मई के महीने में कहीं शुरू कर दिया, कहीं जून में हो गया, कहीं कहीं सितंबर में हो गया, कहीं नवंबर में हो गया, बहुत ही अनऑर्गेनाइज लेवल पे सब चला। और वही थोड़ा ऑर्गेनाइज हुआ 1942 में, हालांकि ज्यादा ऑर्गेनाइज तब भी नहीं हुआ था, परिणाम आ गया उसका। वो जितने लोग 1857 में मर गए उतने 1942 में नहीं मरे, 1942 में तो अंग्रेजों की हालत खराब हो गई थी गिरफ्तार करने में,
लेकिन 1857 में क्रैश करने में भी उनको कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कमजोर था। क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है तो ऊपर वाले को क्रैश करने के लिए रास्ता मिलता है। तो अभी तो हम में शक्ति आ जाए, सबसे बड़ी बात तो हमारी अपनी शक्ति की है। हम में अपनी शक्ति आ जाए, थोड़ा आत्मविश्वास आ जाए, हमारा थोड़ा परिचय समाज से हो जाए, समाज के मन में हमारे प्रति सद्भावना हो जाए, तो ऐसे काम करने के लिए हम बिल्कुल फिट होंगे। और अगर ये तैयारी किए बिना जाएंगे तो उसमें यही होने वाला है। देखिए मैं आपको बताऊं, बेली भाई जो बात करते हैं ना, ये जो वैट का है, वैट का मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको। हम लोगों ने बंबई में बड़ा विरोध किया, कई जगह मैंने जाके लोगों को प्रयास किया, और बंबई में बड़ा एक सफल काम हुआ कि 25-26 संगठन व्यापारियों के बन गए। अब वो संगठन ने मुझे वायदा किया था, आप जो कहेंगे हम करेंगे, आप जो कहेंगे हम करेंगे, आप आज बोलेंगे तो हम सब घर छोड़ के रात को 12 बजे सड़क पे। 3 दिन बाद मैंने उनसे कहा कि परसों से जेल भरो शुरू करना है। तो वहां 3 कार्यकर्ता थे, एक सुशील अजमेरा, एक राजू भाई बोरीवली के, और एक और कोई थे। और उससे 15 दिन पहले उन्हीं व्यापारी संगठनों की बंबई के आजाद मैदान में मैंने सभा संबोधित किया, 30,000 थे। 30,000 की सभा में हाथ उठा के उन्होंने कहा आप जेल जाने के लिए कहेंगे जेल चले जाएंगे, आप जो कहेंगे करेंगे। और एक हफ्ते के बाद मैं कह रहा हूं कि बस परसों से जेल भरो शुरू करना है, तो मैंने हमारे कार्यकर्ताओं को कहा कि आप आगे रहेंगे बाकी सब पीछे रहेंगे। तो अपने 3 कार्यकर्ता थे, वो 30,000 में से एक भी नहीं था। जिनको तकलीफ है वही लड़ने को तैयार नहीं है। परेशानी तो ये है ना, वैट का मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, ना मेरा कोई उद्योग है, ना मेरा कोई इंडस्ट्री है, ना मेरा कोई बैंक अकाउंट है, ना कोई प्रॉपर्टी। मुझे वैट से कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिनको सबसे बड़ी तकलीफ इससे है, अगर वो लड़ने को तैयार नहीं है तो लड़ाई पूरी फेल है। ये जो गांधी जी कर रहे हैं वो क्या कोशिश, वो यही कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा प्रश्न है, तुमको खड़ा होना है। गांधी जी का प्रश्न नहीं है, प्रश्न हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों। तो ये जो 34,000 कानून है वो सिर्फ हमारा प्रश्न नहीं है, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का प्रश्न है। अगर उनमें ताकत नहीं बनती तो आप लड़ेंगे किसके लिए, किसके लिए लड़ेंगे? जो विक्टिम है अगर वो ताकत के साथ नहीं खड़ा होता लड़ाई के लिए, जो डूब रहा है वही अगर हाथ पर नहीं चलाता बचने के लिए, आप कैसे बचाएंगे उसको? परेशानी हमारे देश में उन लोगों के साथ है जिनको ये सबसे ज्यादा तकलीफें हैं, उन्हीं को लड़ाई लड़ने की ताकत इस समय सबसे कम है। और जिनको तकलीफें सबसे कम है उनको लड़ाई लड़ने की ताकत बहुत है, लेकिन हमारी उनके साथ कोई वार्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई संवाद नहीं है। या तो जिनको सबसे कम तकलीफ है लेकिन लड़ने की ताकत जिनमें है उनके साथ हम दोस्ती कर लें। वो लोग कौन है? रिक्शा चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, खेती करने वाले, साधारण काम करने वाले, कारीगरी का काम करने वाले, जिनकी कहानी कल शर्मा जी, इनमें ताकत बहुत है। इनको सरकार की भी परवाह नहीं है, क्योंकि सरकार की दी हुई रोटी वो खाते वाते नहीं है, वो अपना बनाते हैं खाते। इनकी ताकत सबसे ज्यादा है, ये लड़ भी सकते हैं, इनमें हिम्मत भी है, बहादुरी भी है। हमारा उनसे परिचय नहीं है, हमारा उनसे परिचय नहीं है। और जिनमें सबसे कम ताकत है उनसे हमारा परिचय है, और वो सड़क पे आने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं आप लड़ लीजिए, आप बोलिए हम 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दे देंगे। मैंने कहा 1 करोड़ रुपए से लड़ाई होती है क्या? ये वैट के खिलाफ लड़ने वाले बंबई के सब व्यापारियों ने कहा आप 1 करोड़ बोल दीजिए, 10 करोड़ बोल दीजिए, हम दे देंगे। मैंने कहा उससे क्या होता है, 10 करोड़ रुपए लेके कार्यकर्ता बनते हैं क्या? आप आइए सामने, मेरे साथ चलिए जेल में, मैं भी चलूंगा, आप भी चलिए। ये छोड़ दीजिए कि 15 दिन धंधा नहीं चलेगा, महीने भर नहीं चलेगा, बीबी क्या खाएगी, बच्चे क्या खाएंगे, उसमें तकलीफ है। तो मन में कमजोरी है, अब वो कमजोरी जब तक दूर नहीं होती तब तक लड़ाई कैसे हो? तो हम तो कुछ ऐसा करें कि पहले कमजोरी दूर हो जाए, और अगर वो कमजोरी दूर हो जाए तो अच्छा, नहीं होती तो ऐसे लोगों को साथ में लाएं जिनके मन में बहादुरी है। ये दो रास्ते हैं, या तो जो वर्ग हमारे देश में इस काम से सबसे ज्यादा पीड़ित है, ये कानूनों से सबसे ज्यादा पीड़ित है, व्यापार करने वाला, उद्योग चलाने वाला, धंधा करने वाला वर्ग, उसके मन से कमजोरी निकालना है। दूसरा रास्ता कि हमारे भारत देश में जो ताकतवर लोग हैं उनको अपने साथ में ले लें, उनसे अपनी दोस्ती बढ़ा लें, तो लड़ाई आप लड़ सकते हैं। तीसरा कोई विकल्प नहीं है आपके पास।
माने फिलहाल जो आजादी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता हैं उनकी ताकत से तो एक जिले की सरकार भी नहीं बदली जा सकती। हमें अपनी हैसियत, अपनी स्टेटस हमें मालूम रहनी चाहिए। इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है कि हमारी ताकत आज इतनी नहीं है कि हम एक जिले की सरकार भी बदल सकें, लेकिन हमारी वास्तविकता हमें ध्यान रखनी चाहिए। अभी सिर्फ इतना ही हुआ है पिछले 2-3-4 साल में कि कुछ लोगों को ये जानकारी हुई है कि आजादी बचाओ आंदोलन जैसा कुछ हो रहा, वो भी कुछ लोगों को, शायद 1-1.5 करोड़ लोगों को ये जानकारी हो गई होगी, वो भी पिछले 3-4-5 साल में। उसमें से कुछ लोग कार्यकर्ता बन गए हैं, कुछ सहयोगी बन गए हैं, कुछ समर्थक बन गए हैं, इस तरह की कैटेगरी में हैं 3 लोग। अब ये थोड़ा ज्यादा लोगों को जानकारी हो जाए, 10 करोड़ को हो जाए, 15 करोड़ को हो जाए, तो शायद ज्यादा लोग आ जाएंगे, सहयोगी भी होंगे, समर्थक। आप समझ लो भारत सरकार के पास 3.5 से 4 करोड़ लोग हैं आपको क्रश करने के लिए। उसमें आर्मी भी है, पुलिस भी है, जेल भी है, जेल के ऑफिसर्स भी हैं, उनके सेक्रेटरीज हैं, उनके सारे सेक्रेटरीज के नीचे काम, लगभग 3.5 से 4 करोड़ लोग हैं सरकार के पास। तो आपके पास कम से कम 2.5-3 करोड़ तो हो, तो 19-20 का भी होगा तो हो सकता है कि थोड़ा लोगों में हमारे प्रति सद्भावना होगी और इधर लोग भले कम होंगे लेकिन शायद लड़ाई जीत लेंगे। हारी हुई लड़ाई के लिए प्रयोग करना वो मुझे कुछ अभी पड़ता नहीं है, समझ में नहीं आता, क्योंकि पिछले 50 साल में कई लोगों ने ये हारी हुई लड़ाई लड़ी है और उसका दुष्परिणाम हम सब ने देखा है। एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम हमने जयप्रकाश जी के आंदोलन में देखा है, वो एक हारी हुई लड़ाई थी और इतनी खराब स्थिति हो गई है कि अब लोगों ने आंदोलन पे विश्वास करना बंद कर दिया है। वो कहते हैं जब जेपी नहीं कर सके तो आप क्या कर लेंगे, और जेपी क्यों नहीं कर सके, जेपी यही इसलिए नहीं कर सके कि जल्दबाजी कर गए थोड़ी, लोगों की ताकत खड़ा होना शुरू हुई थी उसके पहले वो कूद गए, और थोड़ा इंदिरा गांधी से पर्सनल वो हो गया। अब ऐसी लड़ाई में पर्सनल का कुछ मतलब नहीं होता, लड़ाई सिद्धांत की थी लेकिन व्यक्तिगत बना दिया, इंदिरा गांधी ने चैलेंज कर दिया, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। इंदिरा गांधी यही चाहती थी कि ये मेरे चैलेंज को स्वीकार करें, इस ट्रैप में फंसे, फिर इनको तोड़ना आसान हो जाएगा, तोड़ दिया उसने। 2-2.5 साल भी सरकार नहीं चला पाए वो सब लोग जो संपूर्ण क्रांति की बात करते थे इस देश में, या पूरे देश की व्यवस्था परिवर्तन की बात करते थे, अच्छे लोग थे। उनमें से एक जॉर्ज फर्नांडीज हैं जो अभी रक्षा मंत्री बन के बैठे हैं, एक लालू प्रसाद यादव हैं जो बिहार में हैं आपकी आंखों के सामने। इसी तरह का प्रयास विनोबा जी ने किया था, लैंड रेवेन्यू एक्ट के ही प्रश्न को लेके वो सब शुरू हुआ था, लेकिन उसका क्या हश्र है वो आपकी आंखों के सामने है। पवनार आश्रम में जाके कभी भी वस्तु स्थिति से परिचित हो सकते हैं। आज तो स्थिति ये है कि भूदान में जो जमीन आई थी उस पर लोग कब्जा करके बैठे हैं और उसको बेचने का काम, उस पर कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बनाने का काम पूरे देश में हो रहा है, जो जमीन ली गई थी कभी किसी बड़े काम। तो अगर ऐसा ही एक फेलियर एक्सरसाइज करना है जैसा 50 साल में हुआ है तो जरूर कर सकते हैं। मेरा मन ऐसा कहता है कि जो गलतियां इन लोगों ने की हैं कम से कम हम उससे सीख लें। इन लोगों की गलतियां सबसे बड़ी यही थी कि पूरी तैयारी के बिना कूद गए और उसका रिजल्ट वही निकलना था, क्योंकि सरकार की ताकत आपसे बड़ी थी और आपसे बड़ी ताकत जब तक उनकी रहेगी तब तक आप उनको चुनौती देंगे तो हास्यास्पद ही होगा। आप उनके बराबर की ताकत ले आइए तो आप कर सके। मैं कई बार ऐसा मानता हूं कि एक राज्य में भी कुछ हम लड़ने की ताकत खड़ी कर लेना, एक राज्य में भी, तो फिर हवा बन जाती है, फिर ताकत आ जाती है। लेकिन अगर आपके पास एक जिले के बराबर की भी ताकत ना हो तब इस समय ऐसी किसी लड़ाई की तैयारी और उसमें कूद जाना वो शायद उतना अनुभव से हम यही सीख सकते हैं, जो दूसरों के अनुभव है उससे यही सीख सकते हैं। तो अभी हम क्या करें, अभी सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में ये जरूर करें कि ये जो कानून है गलत है, खराब है, हमारे गुलाम है, इन कानूनों के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें, थोड़ा उनका परिचय कराएं इससे, हमारे बारे में, उनके बारे में एक दूसरे से परिचय हो जाए, थोड़ा हमारा उनका संबंध बन जाए, थोड़े धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ना शुरू हो जाए, ताकत थोड़ी आ जाए लोगों में, इतनी ताकत तो आई जाए कि कल को सरकार क्रैश करे तो हम हमारी व्यवस्था चला सकें। क्योंकि सरकार वहां वहां पकड़ेगी जहां जहां आप कानून से दबे हुए हैं, तो उतनी स्थिति आप ऐसी बना सकें कि भाई कानून का भले कुछ हो जाए, लेकिन अभी नहीं तो क्या होगा, इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने, ज्यादातर लोग माफी मांग के बाहर आ गए उसमें, हमको तो ये नहीं करना है ना, इमरजेंसी लगी, अधिकांश लोग लिखित माफी मांग के बाहर आए उसमें से, तो आपके खिलाफ भी ऐसा होगा, तो फिर आप जो है लिखित माफी मांगेंगे तो मैं जेल में अपना सिर पीटूंगा,
कि किन के दम पे मैंने ये कर लिया, तो वो तो नहीं करना है ना। तो अगर इमरजेंसी भी लग जाए, सरकार क्रैश करने पे उतर जाए, फिर भी हम टिके रहें 5 साल 7 साल 10 साल, तो विजय हो जाएगी, उसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन हमारी अपनी सीमाएं हैं, हमारी अपनी परेशानियां हैं, वो सब देखते हुए मैं ये कहता हूं। तो मैं बार बार जो आपसे कहना था वो यही कि थोड़ा हम ऐसे लोगों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा लें जिनमें लड़ने की ताकत है। लड़ने की ताकत किसमें है मैं बता देता हूं। किसान, इस देश का मजदूर, इस देश के कारीगर, इस देश के साधारण लोग, साधारण लोग जिनको हम अनपढ़ गवार कह के रिजेक्ट करते हैं, इनमें ताकत है लड़ने की। और ये सरकार से बहुत दूर है, अलग भी है। ये जो ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग है, व्यापारी है, उद्योगपति है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर, इनकी ताकत तो नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से ही टूटे हुए हैं, आधे से ज्यादा तो बिल्कुल सरेंडर किए हुए लोग हैं। छोटी भी असुविधा हो जाए तो परेशानी होना शुरू हो जाती है, थोड़ा मच्छर लगे तो तकलीफ हो जाती है, बिजली चली जाए तो तकलीफ हो जाती है। बंबई में तो क्या हो जाता है, थोड़ा 5 मिनट बिजली गई तो मारामारी हो जाती है स्टेशन पे। इनके दम से तो नहीं हो सकता। जो 5 मिनट की बिजली चले जाने की तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो जेल की तकलीफों को कैसे बर्दाश्त करेंगे? एक दिन जेल में रह लेंगे तो अगले ही दिन साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे और जेलर से माफी मांगेंगे, उसका चरण छुएंगे, भाई हमको छोड़ दो, अब जिंदगी में कभी ये नहीं करूंगा, ये हो जाएगा। तो फिर हमारे लिए ऑकवर्ड हो जाएगा कि हम तो आपके दम पे करेंगे और तो हमारे पास कोई ताकत नहीं है, आपकी ताकत पे करेंगे और वो वहां ताकत जाके फिस हो गई टाए टाए। तो मेरे लिए तो फिर ये मुश्किल हो जाएगी कि आने वाले समय में कोई दूसरा आदमी किसी दूसरे राजीव दीक्षित पे विश्वास नहीं करेगा, वही हो जाएगा उसमें। तो जरूर ये करना है, ये आप मन में रखिए कि ये करना है, क्योंकि इसके किए बिना छुटकारा नहीं। लेकिन समय की प्रतीक्षा करिए, कई बार समय भी होता है ना, उसका भी कैलकुलेशन किया जाता है। गांधी जी को एक आंदोलन से दूसरे आंदोलन तक जाने में मिनिमम 10 साल लगता था। 1920-21 में असहयोग किया, 1930 में जाके नमक सत्याग्रह किया। अब उनको जैसे 10 साल लग जाता था, आप भी तो जरा 10 साल लगा दीजिए अपना। तो अगर आपने 10 साल लगा दिया तो ये मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। गांधी जी में और आप में बस एक ही है कि उनको वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जो आपको हैं। उस समय कैसेट्स नहीं होते थे, उस समय सीडीज नहीं होते थे, MP3 नहीं होते थे, माइक नहीं होता था, बैलगाड़ी से जाना होता था, मुंह गला फाड़ के चिल्लाना पड़ता था, मीटिंगें बहुत छोटी होती थी, एक गांव से दूसरे गांव, ये सब उनके साथ, ये हमारे साथ नहीं है। हम चाहे तो रेलगाड़ी से जा सकते हैं, चाहे तो जीप से जा सकते हैं, माइक हमारे पास है, सीडीज हमारे, तो सुविधाएं हमारे पास बहुत हैं। तो बिना सुविधा के अगर उनको 10 साल लगा और तपस्वी आदमी को 10 साल लगा जो अफ्रीका से सब करके आए थे, अगर भारत, तो भारत में कुछ ऐसी खास बात है कि काम यहां तुरंत नहीं होता, जल्दी नहीं होता, धीरे धीरे होता है। इस देश का आदमी बहुत सहनशील है, इसलिए समय लगता है उसको। ये 10-12 साल के अनुभव से मुझे समझ में आया कि इस देश के आदमी को किसी चीज की जल्दी नहीं है, बिल्कुल जल्दी नहीं है इस देश का, बिल्कुल जल्दी नहीं, क्योंकि मान्यता वैसी है ना कि अगला जन्म भी तो पड़ा है कुछ करने के लिए, सब यही जन्म में थोड़ी करना है, अगले जन्म में भी करना। तो चूंकि जल्दी नहीं है, अब यूरोप में ऐसा नहीं होता, यूरोप में बिल्कुल उल्टा होता है, वहां हर आदमी को जल्दी है क्योंकि जीवन एक ही है, इसी जीवन में सब करना है, तो जल्दी है, हमको जल्दी नहीं है। अब चूंकि ये जल्दी नहीं है सामान्य आदमी के मन में, तो वो अपनी ही स्पीड से चलेगा, आप उसको कितना भी डंडा मारोगे, फटकारोगे, वो नहीं करने वाला। अच्छा, आदमी की तो छोड़ दो, हमारे कार्यकर्ताओं की बात करता हूं, कितना धीमे धीमे काम करते हैं वो मैं जानता हूं, कितना धीमे धीमे हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं जिनके मन में कुछ करने की ललक है, उनको मैं जानता हूं। तो एक बाहर वाले आदमी की मैं क्या बात करूं। तो जब हमारी स्पीड इतनी धीमी है काम करने की, तो बाहर वाले की तो हमसे भी धीमी होने वाली है। हम थोड़ी समझ वाले लोग हैं, जब इतनी धीमे गति से चलते हैं काम करते हैं, तो बाहर वाले और भी ज्यादा धीमी गति से चले। तो चूंकि गति हमारी धीमी है काम करने की, तो उसमें इमीडिएट एक्शन संभव नहीं है। जब आप बहुत फास्ट हैं तो एक्शन बहुत फास्ट हो सकते हैं, स्पीड आपकी स्लो है तो एक्शन भी स्लो होने वाले।
तो अच्छा हुआ बिरजी भाई ने ये विषय उठाया हमारे दिमाग में, ये बैठे बैठे हम इस पे बात करें, चिंतन करें और बात यहां से शुरू करें कि साधारण आदमी से बात करें। देखो ये कानून, ये कानून, ये कानून, इससे इतनी हैरानी, इससे इतनी परेशानी, हाँ हाँ बहुत परेशानी है, चलो कुछ करेंगे मिलके, हाँ हाँ करेंगे। तो जैसे जैसे ये करेंगे मिलके, करने वाले लोग इकट्ठे होते जाएंगे, ताकत आपकी बड़ी हो जाएगी। और जैसे ही आपकी ताकत इतनी, मैं तो इतने के लिए भी तैयार हूं, एक राज्य में हिट करने की भी ताकत हो गई तो हम कर देंगे, देश की चिंता नहीं करेंगे। एक राज्य में भी अगर हो गया, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तो हम कर देंगे। लेकिन इतना तो होना चाहिए कि एक राज्य के लिए, एक राज्य की सरकार की जितनी ताकत है, उतनी ताकत यदि हमारे पास है तो उतने में भी हम कर देंगे। हम ये उम्मीद नहीं करेंगे कि पूरे देश में हो जाए, लेकिन एक राज्य में तो हो जाए। एक राज्य से मतलब कि उस राज्य के सभी गांव में कम से कम आपका एक सहयोगी, एक समर्थक, एक सद्भावना रखा हुआ आदमी तो हो जाए। भले सक्रिय कार्यकर्ता आपके पास 100-200 हो, लेकिन हर गांव में आपका एक समर्थक, एक सहयोगी तो हो, इतनी व्याप्ति तो हो। तो कम से कम क्या होगा कि जब हम एक्शन लेंगे और उसके विरोध में कुछ होगा तो वो कम से कम सद्भावना तो रखेगा, ईश्वर से प्रार्थना तो करेगा, बगल के गांव में जाके हमारे लिए कुछ व्यवस्था में तो थोड़ी मदद करेगा। क्योंकि अगर आप कल जेल के अंदर जाते हैं सबके सब, तो जो रनिंग आपके इंस्टीट्यूशन से उनको चलाने के लिए लोग चाहिए, वो सभी ठप्प हो गए। सरकार तो यही चाहेगी कि आपका सब काम ठप्प हो जाए। 2-3 साल अगर कोई काम ठप्प हो जाता, मशीनरी में जंग लग जाता, फिर आगे कुछ नहीं होता। तो वैसी ही एक परिस्थिति हमारे सामने भी आएगी। तो अगर हमारे लिए सहयोगी और समर्थक और सद्भावना रखने वाले लोग अगर नहीं हुए, तो आपका तो वही हाल हो जाएगा जो आतंकवादियों का होता है। भाई वो भी क्या कर रहे हैं, सरकार से ही तो लड़ रहे हैं, पूरी मिलिट्री लगी है उनको क्रश करने में। इतना ही है कि उनके लिए सद्भावना नहीं है पूरे देश में, होती सद्भावना तो सरकार पलट जाती उनके कारण। वही आपका होगा, लोग आपको टेररिस्ट कहेंगे, आपको और भी बहुत कुछ कह दिया जाएगा, आप कहा जाएगा ये CIA के एजेंट हैं, ये KGB के एजेंट हैं, जो राष्ट्र के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। हम राज्य के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन कहेंगे ये राष्ट्रद्रोही हैं सबके सब, पार्टी सब एक हो जाएंगे क्योंकि हम सबके खिलाफ हैं। तो अभी कांग्रेस बीजेपी अलग अलग है, हमारे लिए दोनों एक हो जाएंगे। हाँ, तो आपके खिलाफ पार्टी जाने वाली है, ब्यूरोक्रेसी आपके खिलाफ जाने वाली है, मल्टीनेशनल्स आपके दुश्मन पहले से ही बनकर बैठे हुए हैं, टाटा बिरला डालमिया के मन में आपके प्रति कोई सद्भावना नहीं है क्योंकि वो उनके कोलैबोरेटर हैं, और इधर जो साधारण आदमी है उससे हमारा कोई परिचय नहीं है, तो किसके दम पे लड़े? या तो चलो टाटा बिरला डालमिया हमारे साथ होते उनके दम पे हम लड़ सकते हैं, या तो ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ होती उनके दम पे लड़ सकते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी होती उनके दम पे लड़ सकते हैं। कोई तो आपके साथ नहीं है बैकअप के लिए। आर्मी भी लड़ती है ना, तो उसके पीछे सप्लाई साइड होती है पूरी। आर्मी ऐसे ही नहीं लड़ती है जाके, जब सप्लाई साइड मजबूत होती है तब आर्मी का कमांडर ऑर्डर देता है कि फायर करो, जब तक सप्लाई साइड में कमी रहती है वो कभी ऑर्डर नहीं देता फायर करो। तो आपके पास कोई सप्लाई साइड है नहीं, हमने बनाया नहीं अभी तक। समर्थक बनाने में हम बहुत ढीले हैं, सहयोगी बनाने में बहुत ढीले हैं, कार्यकर्ता बनाने में तो हम सबसे ही ज्यादा ढीले हैं। जब हमारी गति इतनी धीमी है काम करने की, तो फिर आप सोचिए, आप थोड़ा चुस्ती फुर्ती लाइए, कसावट लाइए, आलस्य अपना कुछ कम करिए, तंद्रा अपनी कुछ कम करिए, फालतू समय जो आप बर्बाद करते हैं वो इस तरह के काम में लगाइए, तो दूसरे लोग अपने आप थोड़े ज्यादा कसावट से आने लगेंगे। जब आपको ढीला देखते हैं तो वो और भी ढीले, तो अपने ढीलेपन को थोड़ा दूर कर सकें, अपने में थोड़ी कसावट ला सकें, थोड़ा नियमित रूप से लोगों के बीच में जा सकें, तो बड़ी ताकत खड़ी होती है। अब इसी से एक उदाहरण से मैं बात करता हूं। देखो हम तो स्वदेशी की बात करते हैं, हमारे कार्यकर्ता रोज शिकायत करते हैं, एक स्वदेशी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, वो मुझे रोज कहते हैं आपके नाम पे जी उसने 3 लाख मेंबर बना लिए या 6 लाख मेंबर बना लिए। तो मेरे मन में आता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिसके पास राजीव दीक्षित है वो 1 मेंबर नहीं बना सकता, और जो राजीव दीक्षित की कैसेट बेच लेता है वो 6 लाख मेंबर बना सकता है या 3 लाख बना सकता है या 3.5 लाख बना सकता। भले स्वार्थ है वो, ठीक है भले स्वार्थ है, इसमें क्या स्वार्थ नहीं है जो हम कर रहे हैं? इसमें एक बड़ा स्वार्थ ये है कि आपका तो ये लोग सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। इसमें इससे बड़ा स्वार्थ तो कहीं नहीं है।
ये लोग भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा, मोक्ष में जाएंगे, इससे बड़ा स्वार्थ क्या होता है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि हमारी सक्रियता नहीं है, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। इसमें देखिए, किसी पे आरोप प्रत्यारोप करने की बात, हमारी सक्रियता उनकी तुलना में 5% भी नहीं है। हमारी सक्रियता सिर्फ इतनी है कि राजीव दीक्षित का भाषण करा दिया, बात खत्म हो गई। एक गांव में, दो गांव में, एक जिले में, दो जिले में, एक कॉलेज में, दो कॉलेज में, मान लिया कि आंदोलन हो गया। अभी भाषण तो आंदोलन नहीं होता, भाषण आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि बनाता है। तो आपकी सक्रियता नहीं है, और अगर आप सक्रियता बढ़ाते नहीं है तो ये प्रॉब्लम तो आने वाली है। अगर हम थोड़े भी सक्रिय हो जाएं ईमानदारी से, नियमित रूप से, जैसे हम हमारे दैनिक कार्यों के लिए सक्रिय रहते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, दुकान पे जाते हैं, धंधे में जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, उतनी ही सक्रियता, भले उतनी ना हो तो 5% उसकी, 10% तो ये हो जाता है। लेकिन अगर उतनी भी नहीं है, हमको 3-4 महीने में एक बार याद आती है कि हाँ ये फलाना कुछ काम है आंदोलन का, वो करना है, या साल भर में एक बार याद आती है, तो वो तो नहीं बैठता। बड़ी लड़ाई के लिए तो सैनिक जैसा काम करना पड़ता है। गांधी जी ने सैनिक तैयार किए तब उनके दम पे बड़ी लड़ाई हुई। हमारी स्थिति अभी वैसी नहीं बन पाई है, अभी तो स्थिति इतनी ही नहीं बन पा रही है कि 7 दिन के शिविर में सब बैठ सके, कोई 2 दिन के लिए, कोई 3 दिन के लिए, कोई 4 दिन के लिए। 15 दिन की जेल में कैसे बैठेंगे, महीने भर की जेल में कैसे बैठेंगे? क्योंकि मुझे जानकारी है कि कोई 2 दिन बाद जाने वाला है, कोई 3 दिन बाद जाने वाला है, कोई 4 दिन बाद जाने वाला है। तो 2-3 दिन तक ही हमारी बन रहने की मानसिकता बनी है अभी तक। तो ये 7 दिन सब एक साथ रह सके, फिर किसी दिन, किसी बार 15 दिन एक साथ रह सके, फिर मैं अपेक्षा कर सकता हूं कि जेल में 15 दिन भी रह सकेंगे, यहां रह सकेंगे तो जेल में भी रह सकेंगे। अब इतना भी अगर बनता है तो शायद कोई बड़ा काम करने की आप में हिम्मत, देखिए अपनी हिम्मत आपकी जब तक नहीं बढ़ती तब तक ये नहीं हो सकता। आपकी हिम्मत बढ़ाइए, आप में थोड़ी दम आनी चाहिए, ताकत आनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। एक राजीव दीक्षित के कॉन्फिडेंस से नहीं होगा, उसकी हिम्मत से नहीं होगा, हम सब में हिम्मत होनी चाहिए। और हिम्मत नहीं है तो पैदा करने के लिए कुछ प्रयास करिए। और हिम्मत आपको कहां से आएगी वो मैं बार बार कहता हूं कि जो साधारण लोग हैं उनसे जब आपका परिचय हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगी, उनसे मित्रता हो जाएगी, आप में हिम्मत आ जाएगी। क्योंकि हिम्मत उनमें है, वो दे देंगे। रोज इस तरह के संघर्ष से वो 2-4 होते हैं, आप भी जब उनके साथ आने जाने लगेंगे आप भी आ जाएंगे। यही है, इस पर जरूर सोचिए, इस पर बात करिए, चर्चा करिए, थोड़ा एक्सरसाइज भी करिए। एक्सरसाइज इस तरह की करिए कि ये जो कानून की बात हम करते हैं वो कानून कौन कौन से हैं, एक बार वो देख तो लीजिए, उनकी किताबें देख लीजिए, कुछ परिचय कर लीजिए उन कानूनों से, उनकी लिस्टिंग कर लीजिए, लोकल लेवल के क्या कानून है, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है। तो इतना ही करिए कि अपने अपने राज्य में जो हैरान परेशान करने वाले लोकल कानून है उनकी एक सूची बना लीजिए, उस पर 2-2, 3-3 लाइन का राइटअप लिख लीजिए, इससे ये हैरानी है, इससे ये परेशानी है, इससे ये। थोड़ा ऑर्गेनाइज काम करना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध जैसा होगा ये, स्टेट के खिलाफ आपका युद्ध होगा। तो युद्ध की तैयारी वैसे ही करनी पड़ती है जैसे युद्ध में जाते हैं आप, बिना तैयारी के नहीं जाता। तो आप इसमें छोटी छोटी तैयारियां कर लीजिए, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लोगों के साथ बात हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी, सद्भावना बन जाएगी, वो आपके पीछे खड़े हो जाएंगे, आप भले फ्रंट में रहेंगे, संख्या भले कम रहेगी, फिर भी आप जीत लेंगे। क्योंकि सरकार को ये डर जिस दिन हो जाएगा कि आजादी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं को जेल में डालना माने 10 करोड़ वोट हाथ से चले जाना, ये डर अगर उनको हो गया, भले आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता 50 ही है या 100 ही है, लेकिन पार्टी को ये डर है कि ये 50 को भी जेल में भेज दिया तो 10 करोड़ वोट पूरे देश का चला गया हमारा, तो आपकी जीत हो जाएगी। जेल में जाने वाले बहुत नहीं होंगे क्योंकि जेल में उतनी जगह भी नहीं है, लेकिन सरकार को डर होना चाहिए उसका, वो डर बड़ी बात है। अभी उनको ये डर अगर है तो आपकी विजय हो जाएगी, नहीं है तो आप पराजित होंगे। और एक बार आप पराजित हुए तो आपकी हिम्मत एक ही पराजय में टूट जाने वाली है, क्योंकि हम तो 1945 के पहले के लोगों से ज्यादा कमजोर हैं,
उनमें मजबूती थोड़ी हमसे ज्यादा थी, क्योंकि कष्ट में रहने की उनको आदत थी, हम थोड़ा कष्ट में रहना भूल गए हैं, सुविधाओं में रहने के आदि हो गए हैं, इसलिए हमारी आत्मशक्ति भी कम है। गांधी जी की आत्मशक्ति जो बार बार हम कहते हैं इतनी बड़ी थी, वो परेशानियों में रहने से आत्मशक्ति आती है, तकलीफों में रहने से आत्मशक्ति आती है, तो उतना तो है नहीं अभी हमारे पास, लेकिन ये हो जाएगा थोड़ा हम प्रयास करें तो। आदमी चाहे वैसे मोड़ सकता है अपने जीवन को, हम चाहें तो हम भी मोड़ लेंगे, इसमें कोई, मैं मानता हूं इसमें निराश होने की भी जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा दुखी होने की भी जरूरत नहीं है, बस जरूरत इस बात की है कि हम हमारी सक्रियता बढ़ाएं, हमारे आलस्य को छोड़ें, थोड़ा समय नियमित रूप से जो सब काम के लिए आप निकालते हैं वो इस काम के लिए भी निकालें तो हो जाएगा। और साधारण लोगों से परिचय बढ़ाएं, साधारण लोगों से दोस्ती बढ़ाएं, वही आपके साथ आने वाले हैं, उन्हीं की ताकत से आप कोई विजय पा सकते हैं। उसके लिए जो करना है करें, पदयात्रा करनी है पदयात्रा करें, पैम्पलेट बांटना है पैम्पलेट बांटें, कैसेट सुनानी है कैसेट सुनाएं, गांव गांव जाना है गांव गांव जाएं, साहित्य बांटना है साहित्य बांटें, भाषण करना है भाषण करें, जो करना है करें। उसमें हाँ, जनजागृति भी अगर आप लाएंगे ना तो ये भी बहुत बड़ी, मैं साधारण लोगों को ये माहिती नहीं है कि किस कारण से हमें दुख है, 90% लोग ये मान के बैठे हैं कि हमारा भाग्य खराब है इसलिए हम दुखी हैं, हमने पुराने जन्म में कोई पाप किया होगा तो उसका भोग कर रहे हैं। तो कानून की मालूमात अगर आप करा दें लोगों को, जो मालूमात उनको नहीं है अगर वो आप करा दें, अब जैसे ये वैट का है, वैट का सरकार को वापस लेना पड़ा, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वैट के विरोध में जानकारी 2-3 महीने के अंदर पूरे देश में फैल गई। अब 2-3 महीने के अंदर वो जानकारी पूरे देश में फैल गई, सभी व्यापारी एसोसिएशन के पास जानकारी आ गई, बिल बनने से पहले उसका ड्राफ्ट लोगों के हाथ में आ गया, तो वो हो गया, सरकार को वापस लेना पड़ा कि अभी हम 2005 के बाद सोचेंगे इसको लाना है कि नहीं लाना। अगर ऐसे ही सबके बारे में माहिती पूरे देश में हो जाए तो बहुत तेजी से सरकार पीछे हट जाती है। सरकार में भी ज्यादा दम नहीं है ये भी आप जान लीजिए, जितनी दम अंग्रेज सरकार में थी उसका तो 10 छटाक भी इसमें नहीं है जो अभी सरकार, ये बहुत डरी हुई सरकार है, बहुत कमजोर सरकार है, लेकिन बस इतना ही है कि माहिती वाले लोग ज्यादा हो गए, उसी दिन सरकार इस सबको बदल देगी। हो सकता जेल भी नहीं जाना पड़े, आपने बस ऐलान कर दिया, उतने में सरकार कहेगी अच्छा जी बताइए अभी नया कानून क्या बनाए हो, ये भी हो सकता है। ताकत उसमें भी ज्यादा नहीं है, ताकत हम में भी ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जन जागृति जो होनी चाहिए इस काम के लिए वो बहुत कम है लोगों में, अगर थोड़ा आप कर सकें तो हो जाएगा। वो तो कैसेट तो निकल जाएगी, लेकिन मेरा ये कहना है कि थोड़ा थोड़ा आप उसको जानने की कोशिश करें, क्योंकि बात तो आपको करनी है। तो मैं बार बार बेलजी भाई आते हैं वो ये कहते हैं संविधान ही कम से कम देख लीजिए देश का, उसमें आपको क्या क्या खराब लगता है उतनी जानकारी हो जाए, फिर कुछ कानून है उसमें क्या क्या खराब लगता है। कानून की सब किताबें बाजार में उपलब्ध हैं, 30-35-40 रुपए से लेकर 2-250 रुपए के बीच में है, नहीं है तो वकीलों से कुछ दोस्ती कर लीजिए, अपने बीच में कुछ वो बता देंगे, लिस्टिंग कर लीजिए, एक लिस्ट तो बना लें कि मान लो गुजरात में ये 1000 कानून है जो लोगों को हैरान परेशान करते हैं, कर्नाटक में ये 2000 कानून है जो हैरान परेशान करते हैं, बम्बई में ये 500 कानून है जो हैरान परेशान करते हैं, या किसी कोई भी कानून। तो ये कानून के बारे में अगर आप थोड़ी थोड़ी भी माहिती कर लेंगे तो इससे आपका आत्मविश्वास आएगा। अभी तो मैंने कह दिया 34,000 कानून है, आपने सुन लिया मान भी लिया, लेकिन देख तो लीजिए वो 34,000 ही है या 35,000 है या 40,000 है या 32,000 है, उतना तो कर लें। थोड़ा अपने लेवल पे ये करना शुरू करेंगे ना तो थोड़े दिन में हो जाएगा। ये असंभव ये कुछ भी नहीं है, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। जो दो सबसे ज्यादा असंभव बातें दुनिया में कही जाती थी कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी कभी एक नहीं हो सकते, वो हो गए। जो और भी उससे बड़ी असंभव बात कही जाती थी वो ये कि यूरोप के देश कभी एक नहीं हो सकते, वो भी हो गए। 12-13 देशों ने मिलकर कॉमन यूरोपियन करेंसी बना लिया, मार्केट बना लिया, अब पार्लियामेंट बनाने जा रहे हैं, कल आर्मी भी बना लेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा असंभव मानी जाने वाली बातें थी ये कि यूरोप कभी एक नहीं हो सकता, क्योंकि यूरोप के सभी देश एक दूसरे के विरोधी, सबने एक दूसरे पे हमले किए हैं,
स्पेन ने पुर्तगाल पे किया, पुर्तगाल ने स्पेन पे किया, इटली ने फ्रांस पे किया, फ्रांस ने इटली के खिलाफ किया, इंग्लैंड वाले फ्रांसीसियों को गाली देते हैं, फ्रांसीसी इंग्लैंड वालों को गाली देते हैं, सब एक दूसरे के खिलाफ घृणा से भरे हुए, इतनी ही घृणा है जितनी भारत और पाकिस्तान में, शायद उससे भी ज्यादा। फ्रांस में आप जाएं तो ये महसूस कर लेंगे कि हर फ्रांसीसी के मन में अंग्रेज के प्रति कितनी घृणा है और हर अंग्रेज में फ्रांसीसी के प्रति कितनी घृणा है। उतनी घृणा के बावजूद ये सब एक हो सकते हैं जो असंभव लग रहा है, तो ये भी असंभव नहीं है, ये भी संभव है, लेकिन उसके लिए प्रयास करना है। जर्मनी को भी एक करने में बहुत प्रयास हुआ है और उसमें 30-40 साल लग गए हैं तब जाके दोनों एक हुए हैं। कॉमन यूरोपियन मार्केट बनाने में भी इतना समय लगा है उनको, तो हमको भी थोड़ा समय लगेगा। समय को लगा के थोड़ा सा ये करके, दिशा क्या है वो मैंने बताया। एक काम आप ये कर लीजिए कि ग्रुप बना के स्टडी शुरू करिए। स्टडी से मेरा मतलब कोई, ये वकील, ये मैसूर वाले लड़के हैं, ये जा सकते हैं क्योंकि बार एसोसिएशन में 2 व्याख्यान हो गए और बार एसोसिएशन वाले सब जानते हैं। उनको कहिए कि भाई हमको ये करना है कि कौन कौन से कानून है जो अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए हैं वो कर्नाटक में आज भी चल रहे हैं। आज वाले कर लो 1950 के बाद से कितने ऐसे कानून है जो हैरान परेशान करते हैं। ये वकील आपको बता देगा, कोई भी वकील बता देगा, ये कानून ये परेशानी करता, वो कानून ये परेशानी करता, वो उसकी लिस्ट बना लो। लिस्ट के आधार पर लोगों से चर्चा शुरू करो, वो चर्चा जो है वो लोगों को आपसे जोड़ेगी। फिर लोगों को, अच्छा आप ये बात करने वाले हैं, चलो हम भी आपके साथ हैं, चलो हम भी आपके साथ। ये भाई बिल्कुल सही है, कोई लोग स्वदेशी पे हमारे साथ नहीं होंगे लेकिन इस विषय पे साथ आ जाएंगे, तो इस पे आ जाएंगे साथ, लेकिन उनके साथ चर्चा तो हो, विचार तो हो, बहस तो हो। अभी जैसे हमने एक सूची निकाली, क्या स्वदेशी क्या विदेश, ऐसी सूची निकाल दो जिले स्तर पर कि ये कानून है जो हैरान परेशान करते हैं, ये कानून को हटाने का है। मान लो आपने एक सूची बना के बांटना शुरू कर दिया, एक प्रदेश ने एक बार किया, दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया, फिर ऐसे 8-10 जगहों पे भी आपने किया, तो वो एक साधारण माने जो वर्ग है उसके लिए अभियान जैसा बन जाएगा, उसका जुड़ाव आपके साथ हो जाएगा, सद्भावना भी आपके प्रति हो जाएगी, ताकत भी आपकी बन जाएगी। उसी में कोई दिन एक प्रस्ताव कर लें कि भाई अब तो हम ना सहकार आंदोलन करेंगे, असहकार आंदोलन करेंगे, या सिविल नाफरमानी करेंगे, शुरू हो जाएगा। एक जगह शुरू होगा, फिर इसकी आप दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह, क्योंकि एक बार ये बात फैल चुकी होगी, चर्चा हो चुकी होगी, तो देर नहीं लगती आग लगने में। एक जगह हमने शुरू किया, मान लो कर्नाटक में मैसूर से शुरू किया, तो राजकोट तक पहुंच जाएगा 6-8 महीने में, फिर राजकोट से दिल्ली तक पहुंच जाएगा। फिर क्या होगा, कुछ लोग हैं जो दूर से देख रहे हैं, वो भी कहेंगे हाँ चलो अब इसमें साथ में आ जाए। तो फिर क्या होगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी की शक्ति, सरकार की शक्ति और ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये भी हमसे कम ही पड़ेगा उस स्थिति में। तो वो कम पड़ जाए तो आप जरूर जीत जाएंगे। आपको विजय पानी है ये मान के काम करिए, असफल नहीं रहना है, सफल होना है, कानून हटवा के वापस आना है। तो मान लो हम आखिरी स्तर तक लड़े उसके लिए, तो वो मन की तैयारी रहे तो हो जाएगा, 2-4 राज्यों में कोशिश करेंगे, बाकी 2-4 में अपने आप से हो जाए। तो ऐसे शुरू करिए, इसमें से ये काम निकल आया, अब ये काम आप शुरू करिए लौट के, कि आपके लोकल स्तर पे वकीलों के साथ मिलकर एक लिस्ट बनाइए, वकीलों के साथ मिलिए, कोई इनकम टैक्स वाला मिल जाए, कोई सेल्स टैक्स वाला मिल जाए, कोई कॉरपोरेशन के कानून वाला वकील मिल जाए, सभी एक्सपर्ट्स वकील तो है ना हर जगह, सिविल लॉ का कोई मिल जाए, क्रिमिनल लॉ का कोई मिल जाए, ऐसे वकीलों से मिलकर कहिए जी हमको एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है ऐसे कानून की जो भारत के लोगों को हैरान परेशान करते हैं। तो कोई वकील 10 बता देगा, कोई 15 बता देगा, कोई 20 बता देगा, आपकी लिस्ट में आ जाएगा सब, आप उसको कलेक्ट कर लेंगे, फिर उस पर पैम्पलेट बन जाएगा, वो पैम्पलेट का जो पूर्व भाग है वो हम लोग लिख लेंगे, एक जैसा होगा, अंदर का थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है स्टेट के हिसाब से, फिर उसको ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे अभी स्वदेशी विदेशी पत्रक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जब लाखों में हो जाएगा, थोड़ा बहस होगी, चर्चा होगी, लोग अपने साथ आना शुरू हो जाएंगे, वकील भी बहुत सारे अपने साथ आ जाएंगे, कई लोग आ जाएंगे। तरीका तो यही है, यही तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। अभी स्वदेशी का जैसे माहौल बना वैसे ही ये कानून का बनाना पड़ेगा, फिर उसमें बात करना, चर्चा करना, फिर बहस करना, सेमिनार, ये सब आगे आगे चलता जाए, ऐसे करना पड़ेगा। तो ये रास्ता है, इस पे आप कुछ संकल्प लेके यहां से जाएं कि हम लौटते ही अपने अपने राज्य की लिस्टिंग कर लेंगे। 6 महीने के अंदर आप मुझे सूचित कर दीजिए कि हमने 50 कानून की लिस्ट बना ली, भले 50 की बनाई,
25 की बनाई, अगर आपने 50 की बना ली है तो 500 की भी बन जाएगी, 5000 की भी बन जाएगी, और अगर नहीं बनी है तो एक की भी नहीं बनेगी। तो एक बार लिस्टिंग बन जाए फिर बात हमारे लिए करना आसान हो जाएगा। वकीलों से चर्चा होगी ना, चर्चा में से बहुत कुछ आगे आगे, बहुत वकील ही सामने आ जाएंगे जो आपको एक्सप्लेन करने लेंगे, देखो ये कानून कितना खराब है, ये कितना खराब है, ये कितना खराब, शायद हम भी नहीं जानते, उससे भी ज्यादा वो हमें बता देंगे, लेकिन उन्हें ये मालूम हो जाएगा। और इसमें सहयोग करने वाले हर जगह वकील भी मिलेंगे और कई जजेस भी मिल जाएंगे जो रिटायर हो गए, उनको भी तकलीफ है इन कानूनों से, तो वो भी मिल जाएंगे। पुलिस वाले भी मिल जाएंगे, उनको भी तकलीफ है इन कानून से। तो अगर ये सद्भावना बना के हम चलेंगे बहुत आसान है इसको बदल लेना, और बिना कुछ होमवर्क के बिना किसी एक्सरसाइज के कूदेंगे तो। अब इसमें इतना ही है कि जैसे हमने स्वदेशी विदेशी का काम पूरी शिद्दत से ताकत लगा के किया, वैसे ही अब ये कानून का काम हाथ में उठा लीजिए, वो भी उतनी शिद्दत और ताकत से, तो बन जाए। इतना ही मुझे कहना है। इसमें अभी 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 भी सोचना है, लौटने के बाद हमें क्या करना है वो एक काम आज नक्की हो गया। ऐसे एक एक दिन में कुछ कुछ काम नक्की होता जाएगा कि यहां से लौटने के बाद हमें क्या करना। तो अभी मैं बस इतना ही कह के 2 मिनट में ये पूरा करना चाहता हूं कि अभी कहां कहां ये काम आप शुरू कर देंगे जाते, बताइए। आप नागपुर में शुरू कर देंगे कि कौन कौन से कानून है जो महाराष्ट्र के लोगों को हैरान परेशान कर रहे हैं, नागपुर में हो जाएगा। गुजरात में आप सेल्स टैक्स का कर लेंगे, है कर्नाटक में, नहीं नहीं जिले के हिसाब से बताइए, मैसूर में कर देंगे, आपके शिमोगा में कर देंगे, चलिए आप इलाहाबाद में कर देंगे, ठीक है, आप अपने संबल मुरादाबाद में, आप उड़ीसा में कालाहांडी में, आप चेन्नई में कर देंगे, ठीक है। तो 15-20 जिले हो जाएंगे। अगर ये 15-20 जिले में आपने लिस्टिंग कर ली, आप कर लेंगे कानपुर वानपुर में, आप कर लेंगे वहां पे राजसमंद में, तो अगर 20-25 जिले में ये हो गया तो फिर स्टेट में भी हो जाएगा, वो तो बढ़ता जाएगा। फिर इसमें एक सबसे आसान काम आपके लिए पता है क्या हो जाएगा, आप तो जाएंगे, एक छोटी बात, वकीलों का बहुत बड़ा ग्रुप आपके साथ आ जाएगा, क्योंकि आपको जितनी हैरानी परेशानी उनको भी है वकीलों, और जो सेंसिटिव है ईमानदार वकील है उनको तो सबसे ज्यादा परेशानी, तो वो फिर आपका ज्यादा काम तो वही कर देंगे, एक्सपर्टाइज तो उनके पास है ना, ज्यादा काम तो वही कर दे। फिर आप उनसे कहोगे आप जी एक पुस्तक लिख के दे दो, एक आम आदमी को समझ में आ सके ये सब काम, वो लिख भी देंगे, फिर उसको छपा के, फिर गांव गांव बांटने का काम, ओपिनियन बनाने का काम, प्रेस के साथ बात करने का, अखबारों के साथ बात करने का, ये जैसे जैसे चर्चा में आएगा वैसे वैसे ये जागृति बढ़ेगी, सद्भावना बढ़ेगी, सहयोग बढ़ेगा आपके प्रति। 2 साल में 3 साल में ऐसा माहौल हो जाएगा कि आप 2005 में जेल भरने की बात करें, भले हम सब जेल में चले जाएं, लेकिन हमारे पीछे हल्ला करने वाले, सरकार को हैरान परेशान करने वाले लोग बहुत हों, तो सरकार सरेंडर भी कर देगी। इसमें कोई बड़ी ये वैट का तो उदाहरण हमारे सामने है ना, जितनी तेज जागृति फैली वैट के बारे में उतना ही जल्दी सरकार ने सरेंडर किया, ये तो आप सब जानते हैं ना, ये तो 2-4 महीने पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी। एक एक मुख्यमंत्री ऐसे बोलता था कि सवाल ही नहीं उठता कि मैं वैट लागू ना करूं, ये तो ये छत्तीसगढ़ वाले बताएंगे कि दिग्विजय सिंह और ये अजीत जोगी फूंकार मार मार के कहते थे कैसे हो सकता है कि वैट लागू ना हो। नरेंद्र मोदी बोलता था कि मैं कैसे छोड़ दूंगा वैट नहीं हो, अभी सबकी हवा निकल गई कि नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर ने एक दिन कहा, डेट डिक्लेयर कर दिया था दिग्विजय सिंह ने कि मैं तो इसी दिन से कर ही दूंगा, भले कुछ भी हो जाए, सरकार रहे न रहे, मेरा शासन रहे न रहे। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले चीफ मिनिस्टर, सबकी हवा निकल गई, क्योंकि पार्लियामेंट में रिपोर्ट आ गई, वो रिपोर्ट ही आ गई कि भाई वैट लागू करेंगे तो क्या है। तो आईबी ने बता दिया कि आप जिंदगी भर के लिए भूल जाइए कि आप दोबारा कभी सत्ता में आ सकेंगे। बीजेपी वालों को इतना डर लगा, नरेंद्र मोदी को ऑर्डर हो गया, उनको ऑर्डर हो गया कि नहीं करना, बस नहीं करना, तो चुप बैठे। तो सरकार की ताकत कितनी है वो समझ लीजिए आप। उनको ये समझ में आ गया कि वैट लागू करने से 3-4 करोड़ वोट उनका चला जाएगा, ये उनको समझ में आ गया। कांग्रेस को समझ में आ गया कि हमारा भी वोट बैंक कम हो जाएगा वैट लागू करने से, और ये दूसरे पार्टियों को भी समझ में आ गया कि हमारा भी वोट बैंक चला जाएगा। सीपीएम के वित्त मंत्री की तरफ से वैट शुरू होने के लिए सबसे पहला काम शुरू हुआ था, असीम दास गुप्ता वही कमेटी का चेयरमैन है, वैट लगाने वाली जो कमेटी है, वैट कानून बनाने वाली जो असीम दास गुप्ता है वो सीपीएम का है, उसी ने सबसे पहले बोला कि मैं नहीं कर सकता मेरे स्टेट में,
क्योंकि हम तो पूरे ही उलट जाएंगे अगर हमने ये किया। तो जितनी तेजी से ये हुआ उससे पता चलता है कि सरकार कितनी कमजोर है। और अगर आप दूसरे कानून के बारे में अगर इतनी ही तेजी से जानकारी फैला सकें तो दूसरे कानून भी विड्रॉ कर लेगी सरकार। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे, उनको बस ये हो जाना चाहिए कि ये वोट अब गया हमारे हाथ से। कितनी भी वर्ल्ड बैंक का प्रेशर, वैट के लिए तो सबसे ज्यादा प्रेशर वर्ल्ड बैंक का है ना, आईएमएफ का है। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का प्रेशर एक तरफ रखा रह गया और भारत की संसद ने बोल दिया कि जी हम नहीं कर सकते। अभी आईएमएफ ने क्या कर लिया या वर्ल्ड बैंक ने क्या कर लिया। कल को इतना ही प्रेशर डब्ल्यूटीओ के लिए हो जाए तो डब्ल्यूटीओ क्या कर लेगा या अमरीका क्या कर लेगा। ये तो प्रेशर की बात है, और प्रेशर बनाने का सबसे सरल तरीका है माहिती का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। वैट के बारे में जितनी तेजी से माहिती पिछले 6 महीने में भारत में पहुंची है उतनी तेजी से माहिती किसी भी कानून के बारे में पहुंच जाए वो कानून हट जाएगा इस देश में, कहीं से भी पहुंच जाए। तो वो आप कर लीजिए, वो कर लेंगे तो ये एक एक करके, और 2-4 कानून जहां बदले तो बाकी बदलने के लिए दबाव तो लगातार बढ़ता जाए। तो एक एक्सरसाइज शुरू करिए, ये 10-15 जिलों के कार्यकर्ताओं ने कहा, मैं मानता हूं 20-21 जिले में 6 महीने के अंदर एक सूची बन जानी चाहिए, 20-25 कानून या 50 कानून या 100 कानून या 500 कानून। जरूरी नहीं है कि उसमें सब कानून का नाम हो। आपने मान लो 10 कानून का नाम लिखा, फिर लिख दिया कि ऐसे ही 1000 कानून और है लेकिन 10 ये है, वो 10 ऐसे कानून हो जो आम आदमी को सबसे ज्यादा परेशान करते हो, उनका तो डिस्क्रिप्शन कर दीजिए कि ये साधारण आदमी को सबसे ज्यादा तो ये परेशान करते हैं, ठीक है। बाकी आप सूची दे दीजिए कि 1000 ऐसे और भी हैं, 1500 ऐसे और भी हैं, 2000 ऐसे और भी कानून है, बस उतना काफी है। भले है 10 ही आपके पास डिस्क्रिप्टिव, ऐसे ही आप कर लेंगे तो भी बहुत बड़ा काम। फिर वो बाकी जो 10 हैं, फिर 15-20 तो हो जाएंगे। बहुत सारे वकील, ये मैसूर के कार्यकर्ता करें, ये जो शिमोगा के हैं वो करें, चेन्नई वाले करें, नागपुर में हो, फिर आप राजकोट में करिए, अहमदाबाद में करिए। और इसमें ध्यान यही रखिए कि जैसे कानून जो सबसे ज्यादा साधारण आदमी को परेशान कर रहा है, भले वो राशन कार्ड का है, जरूरी नहीं है कि वो सेल्स टैक्स का है, राशन कार्ड का कानून सबसे ज्यादा परेशान करता है साधारण आदमी को, तो राशन कार्ड का कानून। सेल्स टैक्स का व्यापारी को करता है तो सेल्स टैक्स का, कॉरपोरेशन टैक्स का करता है तो करो, लेकिन आम आदमी को ज्यादा परेशान करने वाले कानून को पहले लीजिए। किसानों का ले लीजिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट उनको सबसे ज्यादा परेशान करता है, उसका ले लीजिए। तो फिर इसमें कुछ बड़ा काम हो जाएगा। बड़ा काम कैसे हो जाएगा, कुछ वकील जब सामने आ जाएंगे उनको इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, तो इनकी लीगल हिस्ट्री हम लोगों के सामने लाएंगे कि ये लैंड एक्विजिशन एक्ट की हिस्ट्री क्या है, क्यों लाया इसको अंग्रेजों ने, कैसे लागू किया, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था वगैरह वगैरह। ये सेंट्रल एक्साइज लाया तो उसके पीछे उद्देश्य क्या था, क्यों लाया इसको, ऐसे ऐसी बातें सामने आई। वो बातें जब आएंगी तो वो और लोगों का खून खौलाएंगे। अभी तो अपने परेशानी से तो है ही, लेकिन जब उनको ये भी पता चलेगा कि इसका इतिहास भी ऐसा ही है तो और ज्यादा वो पक्का हो जाए। मन में पक्का हो जाए तो फिर तो सब हो जाता है। लड़ाई तो मन से शुरू होती है ना, मन में पक्का हो जाए कि ये तो अब हटाने का ही है, उतना ही काफी होता है। सरकार को डराने के लिए उतना काफी होता है। तो इतना शुरू करिए आज की चर्चा में से, ये आपके लिए एक तरह का होमवर्क है। अभी मैं 6 महीने इंतजार करूंगा, आप मुझे बता दीजिए कि हमने 50 कानून का बना लिया, हमने 100 का बना लिया, हमने 500। पुस्तक लिखिए, पैम्पलेट लिखिए, 10 पन्ने लिखिए, 50 पन्ने लिखिए, 100 पन्ने लिखिए, लोकल भाषा में लिखिए। वो बिल्कुल जरूरी नहीं है हिंदी में लिखे, कन्नड़ में लिखिए, गुजराती में लिखिए, मराठी में लिखिए, क्योंकि आम आदमी को बताना है, समझाना है, तो वो स्थानीय भाषा में ही सबसे अच्छा होगा। फिर बाद में हिंदी विंदी हो जाएगा उसका, या हिंदी वाले कर लेंगे अपने इलाके में, उत्तर प्रदेश में और इधर कानपुर वानपुर, तो ऐसा कुछ करना। तो इसको उतनी ही तीव्रता से करिए जैसे आपने स्वदेशी विदेशी के लिए किया था। अब स्वदेशी विदेशी का काफी कुछ लोगों को पता हो गया, चलो अब एक नया काम शुरू किया, ये कानून का भी एक बार पता करा दी। देखिए आपने उठाया स्वदेशी विदेशी, अब हिंदुस्तान में ऐसे बहुत संगठन है जो स्वदेशी विदेशी करने लगे, कोई अच्छा कर रहा कोई खराब कर रहा, लेकिन करने लगे ना, कोई स्वार्थ के लिए कर रहा है कोई परमार्थ के लिए कर रहा है, लेकिन करने लगे। कल को आप जब ये कानून का उठा देंगे तो ऐसे 100 संगठन और आ जाएंगे जो ये करने लगेंगे, फिर तीसरा कुछ और उठा देंगे, शिक्षा का उठा देंगे तो और 100 संगठन आ जाएंगे करने लगेंगे। तो ऐसे कोई दिन ऐसा हो जाएगा कि 500-700 संगठन यही करने लगेंगे,
तो फिर ताकत आपकी बहुत हो जाएगी। भले वो आजादी बचाओ आंदोलन के नाम से नहीं करेंगे, अलग अलग नाम से करेंगे, लेकिन उनमें सूत्रबद्धता कॉन्टिन्यूटी हो जाएगी और वो कॉन्टिन्यूटी सरकार को डराने के लिए काफी होगी। अच्छा ये भी यही करते हैं, ये भी यही करते हैं, अच्छा कर्नाटक में भी हो रहा है, आंध्र में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, तो फिर तो आईबी वाले रोज तो रिपोर्ट देते हैं, तो सरकारों को सोचना ही पड़ेगा। ये टैक्सेशन के नियम भी बदल सकते हैं, बहुत कुछ बदल, लेकिन ये विषय अभी तक हुआ नहीं है। एक मैं आपको एक छोटी बात बताऊं, थोड़े दिन पहले जोगिंदर सिंह का फोन आया, जो सीबीआई का डायरेक्टर रह चुका है जोगिंदर सिंह, उसने कहीं से कैसेट वैसेट सुना, दिल्ली में रहता, उसका फोन आया तो उसने कहा कि आपकी कैसेट सुन के पहली बार मुझे पता चला कि 34,000 ऐसे कानून है देश। सीबीआई का डायरेक्टर जिसने हिंदुस्तान में 10 साल टॉप मोस्ट पोस्ट पे काम किया है, वो आदमी कह रहा है कि आपकी कैसेट सुन के पता चला कि देश में 34,000 ऐसे कानून है। मुझे तो आज तक न किसी प्रधानमंत्री से इस पे चर्चा हुई, न किसी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट से चर्चा हुई, न लीडर ऑफ द अपोजिशन से हुई, न कोई पॉलिटिशियन से हुई, कोई बात ही नहीं करता इसके बारे में। और उस आदमी ने ईमानदारी के साथ ये बात फिर इंडिया टुडे में कही और इंडिया टुडे ने उसका कैप्शन छापा जोगिंदर सिंह के नाम से। तो अब जब सीबीआई डायरेक्टर की यह स्थिति है, जिसके कंट्रोल में आप समझ लो कितना बड़ा, तो आम आदमी की सोचो ना क्या होगा। हमारे एक मित्र है जो आईपीएस ऑफिसर हैं, लखनऊ में आईजी हैं, थोड़े दिन पहले उनके घर मीटिंग हुई थी, नाम नहीं लेता क्योंकि अभी वो सर्विसेज में है, वो एक दिन अकेले में मुझे यही कह रहे थे कि इंडियन पुलिस एक्ट में आपने जो कहा कि राइट टू ऑफेंस हर एक पुलिस ऑफिसर को है, राइट टू डिफेंस किसी को नहीं है, मैंने इस पे 15 दिन सोचा, मैं मानता हूं ये सही है। 15 दिन लगा उस आदमी को ये स्वीकार करने में कि पुलिस ऑफिसर को राइट टू ऑफेंस है और पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है। उसने कहा कि मैंने आपको पहली बार जब ये सुना तो मैंने माना ही नहीं कि ऐसा हो सकता, फिर उन्होंने सोचा, सोचने के बाद वो कहता हाँ बात सही है आपकी कि पूरे कानून का निचोड़ है कि उसको राइट टू ऑफेंस है और किसी को राइट टू डिफेंस नहीं है। तो मैंने कहा आप इसका विरोध करिए, तो उन्होंने कहा वो तो तभी होगा जब मैं रिजाइन करूं, क्योंकि मैं इसी एक्ट से संचालित हूं, आईपीएस ऑफिसर उसी एक्ट से संचालित। लेकिन उसने ईमानदारी से इतना जरूर कहा कि आपकी इस बात को मैं फैलाऊंगा जरूर, ये जो यहां की ब्यूरोक्रेसी है इसमें फैलाऊंगा, सेक्रेटरी से बात करूंगा, मेरे नीचे जो डीआईजी है उनसे बात करूंगा, आपकी कैसेट की डबिंग करूंगा, उनको सुनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अब वो कितना करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वो आदमी ने ये स्वीकार किया, सीबीआई का जोगिंदर सिंह ये स्वीकार करता है। तो आप जान लीजिए कि इसकी जानकारी हिंदुस्तान में 0.00001% लोगों को भी नहीं है कि ये कानून और नियम से हमें कोई हैरानी परेशानी होती है, और यही हमको हैरान परेशान करते हैं। अब जब इतनी कम जानकारी है तो फिर लड़ाई थोड़ी मुश्किल है। तो उसमें पहला चरण तो यही है जनजागृति का, दूसरा चरण सद्भावना बनाने का, तीसरा चरण ओपिनियन बनाने का, चौथा चरण सीधे लड़ाई लड़ने का। तो चार चरण की ये लड़ाई है। अब ओपिनियन बनाना और उसके पहले जागृति लाना, दोनों के लिए आपको ये करना पड़ेगा, लिस्टिंग करना, सूची बनाना, सूची को छपाना स्थानीय भाषा में, कानून की पुस्तक लिखना, पेम्पलेट बनाना 8 पन्ने का, 10 पन्ने का, 20 पन्ने का, उस पर चर्चाएं हो जगह जगह, लोग क्या कहते हैं, लोगों की ओपिनियन, वो सब जब होने लगेगा तो थोड़े दिन में आप जैसे 150 संगठन और भी आ जाएंगे तो आपकी ताकत ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। उनके साथ मिलकर कोई एक एजिटेशन शुरू हो सकता है कि भाई अब जब तक ये कानून बदलेगा नहीं हम तो जेल में ही रहेंगे, चलो जेल भरो करो, ऐसा कुछ होगा उसे, तो संघर्ष फिर शुरू हो जाए। तब तक संघर्ष की तैयारी करिए, यही है। समझ आया हम सबको, बात बैठी है दिमाग, तो बात बैठ गई है तो अब ये कर लेना है। अब ये मैं आपको याद नहीं दिलाऊंगा, 6 महीने बाद आपकी चिट्ठी आ जानी चाहिए भले पोस्ट कार्ड कि हमने इतने कानून का लिस्टिंग कर लिया, इतना भर चिट्ठी आ जाए, वकीलों की मदद से हो जाएगा, उसमें कोई मुश्किल नहीं। और हर जगह आपको ऐसे अच्छे वकील मिल ही जाएंगे जो इससे भी ज्यादा मदद करने को तैयार होंगे, जैसे ही वो जानेंगे अच्छा आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, वो सामने से आएंगे, हमारे पास ये है। कई वकील मिल जाएंगे अलग अलग हाई कोर्ट्स में जो आपको पूरा हिस्ट्री बता देंगे एक एक कानून का, और वो भी समझा देंगे, फिर वही आपके साथ स्पोक्समैन भी हो जाएंगे,
उन्हीं के भाषण आप करा सकते हैं जगह जगह, फिर और ज्यादा ऑथेंटिसिटी आ जाएगी फिर उसमें कि देखो एक वकील बोलता है, ये जज बोलता है, ये बोलता है, सिर्फ हम नहीं बोलते बाकी भी लोग बोलते हैं, तो ये अच्छा हो। हाँ देखिए, जिले स्तर पे मैंने इसलिए कहा कि आप जो ज्यादा फंक्शनल हो सकते हैं वो अपने जिले में ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा फंक्शनल आप नहीं हो पाएंगे। प्रदेश का मैं कहता तो बोझा ज्यादा होता आपके ऊपर, तो जिले का इसलिए कहा, हर एक जिले में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है। कई जिले ऐसे हैं जहां हाईकोर्ट भी है, जैसे ये इलाहाबाद वाले, उनके पास हाईकोर्ट की सुविधा है, ये जबलपुर से आए हैं, जबलपुर वालों को शायद हाईकोर्ट की सुविधा है, इसी तरह से राजकोट में तो शायद नहीं होगा लेकिन अहमदाबाद वालों को हाईकोर्ट की सुविधा है, इसी तरह से चेन्नई वालों को हाईकोर्ट की सुविधा है, बेंगलोर वालों को हाईकोर्ट की, तो जहां पर हाईकोर्ट की सुविधा है तो ये तो थोड़ा बड़ा कर लेंगे, लेकिन जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो तो छोटा ही कर पाएंगे। तो मैंने सबसे छोटा मान के कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही हम शुरू करें, बढ़ता है वो आगे तक चला जाए, लेकिन एक जिले स्तर पे ही शुरू हो एक्सरसाइज, तो उसमें से फिर बड़ा बड़ा होता चले। तो आप किसी भी एक वकील से बात करें और लिस्टिंग बनाने में आपकी मदद कर दें, और अपने बीच में ही कोई वकील हो सकते हैं जो अपने कार्यकर्ता भी हैं, तो और जल्दी हो जाएगा। हाँ पुलिस वाले भी हूँ, तो लूट खसोट कर रहा है, लेकिन उन कानूनों से परेशान वो भी है। वो कैसे परेशान है मैं बताता हूँ, उसकी प्रैक्टिस में उसको बहुत परेशानी है क्योंकि कानून कॉम्प्लिकेटेड है, तो वकील को समझने में भी बहुत समय लगता है। तो उसका हिसाब यह है कि मैं जितनी देर में 10 केस निपटाता हूं उतनी देर में एक ही केस निपटा पाता हूं। वो ये कहता है कि ये कानून थोड़ा सिंप्लीफाई होता तो मेरे लिए भी जज के सामने बहस करना सिंप्लीफाई होता। एक एक कानून के आधार पर जो मुकदमा लड़ना पड़ता है किसी वकील को, उसको बहुत तैयारी करनी पड़ती है, वो उससे परेशान है। सबकी परेशानियां अलग अलग हैं, वकील को इससे कोई परेशानी नहीं है कि आपको कष्ट होता है या दुख होता, उसको परेशानी यह है कि कानून का कॉम्प्लिकेशन जो है अदालत में उसकी एफिशिएंसी को कम करता है, और वो एफिशिएंसी ऐसे कम होती है कि एक ही कानून ले लो, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, उसी की पूरी किताब पढ़ लो। तो अच्छे अच्छे वकील कहते हैं कि 40 साल से हम ये प्रैक्टिस करते हैं लेकिन समझता नहीं है अभी भी ये इंडियन इनकम टैक्स एक्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड है, सेंट्रल एक्साइज एक्ट और भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसके कॉम्प्लिकेशन से वकील परेशान है, वो भी चाहता है कि ये बदलना चाहिए। जजेस परेशान है इस बात से कि इसमें सत्य की गुंजाइश नहीं है। अगर कोई ईमानदार जज है वो कहते हैं आरोप प्रत्यारोप है, बहस है, कुबहस है, उसी में सब उलझ के रह जाता है। तो जज भी परेशान है, वकील भी परेशान है, आम आदमी भी परेशान है। परेशानियों के कारण सबके अलग अलग है, लेकिन वो एक ही काम से तीनों परेशान है, वो हट जाए वो तीनों चाहते हैं, अलग अलग उद्देश्य से भले चाहते हैं। अंग्रेज भारत से चले जाएं ये बिरला भी चाहता था, अंग्रेज भारत से चले जाएं ये गांधी जी भी चाहते थे, और अंग्रेज भारत से चले जाएं वो किसान भी चाहता था, लेकिन चाहना तीनों की अलग अलग है। बिरला जी ये चाहते थे कि अंग्रेज भागेंगे तो ये मार्केट मेरे कब्जे में आएगा, किसान ये चाहता था कि अंग्रेज जाएंगे तो लैंड रेवेन्यू कुछ कम हो जाएगा, और गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेज जाएंगे तो स्वराज आ जाएगा। चाहना तीनों की है कि अंग्रेज भाग जाए, लेकिन कारण तीनों के अलग अलग है, एक एक कारण से चाहता, दूसरा दूसरे से, तीसरा। तो भले हमारे देश में भी ये कानून हटाने के लिए कारण अलग अलग होंगे, वकीलों के अलग कारण होंगे, जजों के अलग हो सकते हैं, सामान्य आदमी के अलग होंगे हमारे, लेकिन नफरत सबको उन कानूनों से है। पुलिस वाले वो कानून से कोई बहुत खुश है ऐसा नहीं है, वो कहते हैं यही इंडियन पुलिस एक्ट के आधार पर हम सब और भी बुरे नौकर हैं, अंग्रेजों के नौकर जो थे उससे भी ज्यादा बुरे आज हम हैं। तो उनको भी परेशानी है, हमको भी परेशानी, कानून का इंटरप्रिटेशन करने वाले को भी है और न्याय देने वाले को भी है, सब तो परेशान है। तो अगर परेशानी सबकी एक ही काम कारण से है, माने एक ही इस कानून से है, तो वो बदलना आसान हो जाएगा, भले उसमें उनके अलग अलग हिसाब से वो कैलकुलेशन करेंगे। वो तो सभी लोग करते, अलग अलग हिसाब के कैलकुलेशन से ही लोग आते हैं।